हेलो हेलो सर। हेलो अनूप, कैसे हो? यस सर, मैं अच्छा हूँ। थैंक सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन आपके सिलेक्शन के लिए। धन्यवाद सर जी। जी अनूप, कुछ अपने बारे में बताइए। सर मैं अकोला महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ और मेरा बीएससी एग्रीकल्चर के साथ साथ एमएससी एग्रीकल्चर भी हुआ है, एग्रोनॉमी डिसिप्लिन में। और उसके बाद मैंने बैंक ऑफ महाराष्ट्र की एग्जाम दी, उसमें भी अच्छे मार्क्स मिले और ज्वाइनिंग भी हुई है सर बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। और वेरी गुड। साथ ही में इन एडिशन आईबीपीएस का भी एग्जाम दिया था, तो उसमें भी सर मुझे अच्छे मार्क आए, तो उसमें भी सर यूनियन बैंक मुझे अलॉट हुआ है। वेरी गुड। एक बात समझ में नहीं है, जब आप बीयूएम में आपका सिलेक्शन हो गया था हाँ। है ना, तो आपने ऐसा नहीं, हाँ हाँ, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि अभी जैसे इंटरव्यू में ये फॉर्म पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी तो हो गया है? मतलब एक लेजीनेस, रिलक्टेंस जो आ जाती है सिलेक्शन के बाद। नहीं सर, पढ़ा ही नहीं फिर रिजल्ट के बाद में, बीएम के रिजल्ट के बाद में पढ़ा ही नहीं मैंने। 10 दिन बचे थे मेंस एग्जाम को, तो सिर्फ मैंने अपियर हुआ मैं एग्जाम को, लेकिन स्टडी प्रिपरेशन कुछ भी नहीं किया 10 दिनों में। कितना आपका स्कोर है मेंस में? मेंस में मेरा 43 आया सर स्कोर, वेरी गुड, और इंटरव्यू में 18 मार्क्स मिले थे मुझे। वेरी गुड। ये स्ट्रेटजी बताइए आप, क्योंकि आप पढ़े भी नहीं, ठीक है, मेंस के एग्जाम से पहले। हाँ कितना टाइम आपने नहीं स्टडी करी थी मेंस हाँ के एग्जाम से पहले? हाँ मेंस के एग्जाम पे पहले अप्रोक्सीमेटली 10 डेज थे सर, जब बैंक ऑफ महाराष्ट्र का रिजल्ट आया था। तो वो 10 डेज आपने ट्वेंटी छोड़ दिए थे? ऑफ हाँ वो 10 डे मैंने कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किया, ओनली सिर्फ मेरा ये था कि मैं अपियर हो जाऊँ पेपर के लिए मेंस के, और स्टडी एज सच कुछ भी नहीं किया था सिर्फ। ओके, आपके अटेम्प्टेशन कितनी थी क्वेश्चन? मेरे अटेम्प्ट थे सर 59 थे अटेम्प्ट, और उसमें सर अप्रोक्सीमेटली मेरे 10 से 12 क्वेश्चन गलत हुए थे। 10 से 12 क्वेश्चन, फिर भी आपके जो 43 आपका मार्क्स है हाँ ना, और 18 आपके हाँ इंटरव्यू में आना, ये आपकी जो क्वालिटी है, हाँ ये हाँ हाँ अबिलिटी है, ये दर्शाता है। हाँ हाँ तो साथ में सर मैंने प्राइवेट बैंक में भी जॉब किया था 5 से 6 महीने में, मिड ओके टाइम में एफओ की प्रिपरेशन के साथ साथ में ही। ओके, सो बेसिकली आप हाँ वर्किंग तो थे। उसका उसका मुझे फायदा हाँ उसका उसका मुझे फायदा हुआ इंटरव्यू में, तो तो सारा ही जो उन्होंने, बैंकिंग नॉलेज है। हाँ ओके, सो बेसिकली हाँ जो आपसे मैं समझ पा रहा हूँ, आप प्राइवेट बैंक में काम करते थे, और प्राइवेट बैंक में काम करते करते आपने बीओएम का एग्जाम निकाला। हाँ एमएससी भी कर रहा था, और साथ में प्राइवेट बैंक में जॉब भी कर रहा था, और एएफओ की प्रिपरेशन भी कर रहा था। निंजा वाली स्ट्रेटजी थी, ऐसा कैसे पढ़ रहे थे आप सभी ये हाँ सब निंजा? क्योंकि तीनों काम ही हार्ड हाँ हैं, क्योंकि एमएससी में थीसिस बनाना होता है, हाँ ठीक है, वो अपने आप में एक हाँ थीसिस चैलेंजिंग होता है, बनाना। टाइम कंज्यूमिंग होता है, मोर ओवर हाँ प्राइवेट बैंक में हाँ इतने हाँ टारगेट होते हैं, इतने टारगेट होते हैं कि ऊपर से हाँ हाँ प्रेशर, हाँ और प्राइवेट में तो बुरा हाल हो जाता है, ठीक प्रेशर होता है। हाँ है, कुछ भी करो, हाँ खाता वो प्रेशर। लेके आओ, हाँ ठीक है। हाँ सर, और इसलिए मैंने 5 महीने उसमें काम किया, और मुझे पता चल गया था कि प्राइवेट बैंक में टारगेट वगैरह होते हैं, तो इसके साथ साथ में एएफओ की प्रिपरेशन करना थोड़ा सा मुश्किल है, और साथ में मेरा थीसिस वर्क भी था, इसलिए मैंने प्राइवेट बैंक को लेफ्ट कर दिया था। और एट द टाइम ऑफ जुलाई में, तो जुलाई के बाद मैंने अपना 2 महीने में थीसिस किया, 2-3 महीने में सितंबर अक्टूबर तक, अक्टूबर तक मैंने थीसिस कंप्लीट किया। तो फिर अक्टूबर से मैंने मेंस का स्टडी किया, अक्टूबर नवंबर 2 महीने में। तो ठीक है, इसके तो पहले मैंने सर अटेम्प्ट किए थे, मतलब 2 अटेम्प्ट थे इसके पहले मेरे, ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। ये आपका थर्ड अटेम्प्ट था, तो बेसिकली आप एक सिस्टम में लेके हाँ चल रहे हाँ थे। तो हाँ आप बैकअप बना रहे थे? हाँ सर, मैं बैकअप में 2-3 ऑप्शन रखा था मेरे सामने कि ये नहीं तो वो, ये वो नहीं तो ये है, ऐसे इसलिए समझो। एमएससी भी कंटिन्यू में था, और आईबीपीएस का था ही, मुझे पहले से ड्रीम में ड्रीम जॉब था मेरा आईबीपीएस एएफओ बनना। तो इस साल मैंने डिसाइड कर ही लिया था, जब बैंक ऑफ महाराष्ट्र का नोटिफिकेशन आया था
इस साल मैंने यही डिसाइड कर दिया था कि दो बैंकों में मेरा सिलेक्शन होना ही चाहिए इस टाइम, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी और आईबीपीएस में भी। वेरी गुड, क्योंकि जब हाँ दो बार नहीं होता है तो आपको एक बार बैकअप लेके चलना ही चाहिए, क्योंकि बैकअप में चलना ये ही होता है पड़ता कि है। कॉन्फिडेंस आता है, जरूरी नहीं है कि आपको उस फील्ड में जाना पड़ेगा, लेकिन आपका बैकअप हो जाता है तो एक कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं ये तो है मेरे पास, अगर मैं ये नहीं तो हाँ ये सर हो जाएगा, तो परफॉर्मेंस अच्छी हो ये जाती है। नहीं तो ये। हाँ, तो फर्स्ट टाइम भी जब मैंने सर इंटरव्यू दिया था तो मेरा ओनली 2 मार्क्स से ओवरऑल स्कोर, मतलब पोस्ट चली गई थी ओनली 2 मार्क्स से। उस टाइम भी चलिए मेरे को इंटरव्यू में सर 16 मार्क्स थे, मतलब ओवरऑल इंटरव्यू में मेरा अच्छा ही परफॉर्मेंस रहा है अभी तक के। सिर्फ उस टाइम मेंस में ओनली 5 मार्क की लीड थी, इसलिए मेरा फाइनल 2 मार्क्स से रह गया था। ठीक है, आप अपनी स्ट्रेटजी बताइए स्पेशली इस साल की, कि आपने इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट को पढ़ा या क्या आपने फॉलो किया जिससे आपको लगता हो कि मेरा ये फॉलो करने की वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ है। सर स्टडी मटेरियल में सर पहले पास से मेरा जनरल एग्रीकल्चर में पहले फोकस था। जब मैंने एमएससी के टाइम में भी प्रिपरेशन किया था तो मेरा विजन आईबीपीएस एएफओ था, तो ओवरऑल स्टडी सेम ही रहता है, एमएससी का बोलिए आईबीपीएस एएफओ का बोलिए, एग्रीकल्चर सेम ही रहता है सब सब्जेक्ट। तो इस विजन को रखते हुए मैंने स्टडी स्टार्ट किया था अप्रैल से फर्स्ट टाइम में। तो पहले मैंने पूरा अपना बेसिक क्लियर कर लिया, अब निमराज सुंडा हुआ ऐसे बेसिक बुक से, आरके शर्मा हुआ, तो उस बुक से मैंने अपना पूरा पूरा बेसिक एग्रीकल्चर, जनरल एग्रीकल्चर जिसको बोलते हैं, वो क्लियर कर लिया। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि सर आईबीपीएस एफओ जो एग्जाम है उसके वर्सेटाइल क्वेश्चन आते हैं, मतलब ऑलराउंडर करके एग्जाम है ये, तो सभी स्ट्रीम के अपने क्वेश्चन आते हैं। तो अपने मुझे इसके अलावा जनरल एग्रीकल्चर के अलावा सब चीजें पढ़नी पड़ेगी, मतलब एडिशनल अलाइड सब्जेक्ट हुआ, सब जो एनिमल साइंस हुआ उसका इन डेप्थ नॉलेज होना। तो इसके लिए मैंने कुछ सोर्स, अलग सोर्स का मतलब फॉलो करने का डिसाइड कर लिया था। तो उस टाइम गुरुकुल का शायद से सेकंड ईयर ही था, मतलब फर्स्ट ईयर में 2018 में आया था, सेकंड ईयर में मैंने उसके बारे में सुना था, गुरुकुल एग्री के बारे में एक कोर्स खरीद करके ऑनलाइन। तो मैंने ऐसा सोचा कि क्यों ना इस कोर्स को ट्राई करके देख ले कैसे नोट्स वगैरह है। और आपका पहले मैंने वीडियो देखा था उस टाइम एएफओ के एग्जाम होने के बाद, 2000 माइक, स्ट्रैटेजी करके, हाँ वो हाँ हाँ तो वो मैंने देखा था। तो आपकी बातें मुझे बहुत मतलब सही लगी उस टाइम पे एग्जाम को क्रैक करने के लिए, तो मैंने आपके गुरुकुल लाइब्रेरी के नोट्स को फॉलो करने का डिसाइड कर लिया। तो उसके बाद में उस आपके नोट्स को मैंने परचेस किया और एक एक नोट्स को मैंने डीपली स्टडी करने का सोचा। तो फर्स्ट रीडिंग के टाइम में मैंने मेजर सब्जेक्ट को लिया, जैसे एसडीएस हो गया, नाबार्ड नॉर्म्स हुए, बाद में इंजीनियरिंग हुआ, ऐसे जो मेजर सब्जेक्ट है जिनमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस है, वो मैंने पहले कवर कर लिए थे। तो वो कवर करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि बहुत हद तक इसमें के क्वेश्चन सिमिलर टू जो आईबीपीएस जैसे पूछता है क्वेश्चन, उस टाइप के वन लाइनर थे, मतलब पॉइंट बोले उस टाइप की मुझे लैंग्वेज में गुरुकुल में भी दिखी। तो उस टाइम मैंने डिसाइड कर लिया कि इन नोट्स का जनरल एग्रीकल्चर के साथ साथ मैं 2-3 रीडिंग करूंगा। तो इससे क्या है, तो मैं एग्जाम के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर रहूँ मेंस के टाइम पे। तो लगभग 3-4 महीने में मैंने गुरुकुल एग्री के 3-4 रीडिंग कर लिए थे। तो उसके बाद मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था कि अपन एग्जाम क्रैक कर लेंगे, लेकिन अभी भी ये नहीं समझ में आ रहा था कि लीड कितनी मिलेगी, मतलब इंटरव्यू कैसा रहेगा। तो मेंस का एग्जाम होने के बाद इंटरव्यू रहा, तो इंटरव्यू भी मुझे फर्स्ट टाइम में अच्छा गया था, लेकिन वो फर्स्ट टाइम में थोड़ा रिवीजन थोड़ा कम हुआ, इसलिए फाइनल सिलेक्शन 2 मार्क्स से रहा। तो इस साल मेरा एमएससी भी कंप्लीट हुआ, तो इस साल मैंने ये सोच भी लिया था कि जैसे एमएससी का थीसिस वगैरह कंप्लीट होता है तो 2-3 महीने मेरे पास बचते हैं, तो 2-3 महीने में मैंने स्ट्रेटेजी ऐसे डिसाइड की कि
15 डेज टू 20 डेज मैंने 15 डेज टू 20 डेज में पूरे 11 के 11 सब्जेक्ट मुझे पढ़ लेना है, मतलब 2 दिन में एक सब्जेक्ट मेरा होना ही चाहिए, मेजर मेजर में, और माइनर सब्जेक्ट जो है वो 1 दिन में ही होना चाहिए, जैसे सेरिकल्चर एपिकल्चर है वो 1 दिन में ही होना चाहिए। तो मेरा पहले से रीडिंग तीन चार बार फर्स्ट टाइम में मैंने 3-4 बार रीडिंग कर लिया था, तो मुझे ओवरऑल पूरा आइडिया था कि नोट्स में ऐसा ऐसा है, और ओवरऑल 2 बार एक अटेम्प्ट देने के बाद आदमी को कॉन्फिडेंस आ जाता है उस स्ट्रीम में कि पेपर का प्रिडिक्ट कर लेता है कि मेंस का पेपर कैसे आ सकता है और क्वेश्चन कहाँ से आएगी। तो उस टाइप से मैंने ऑलरेडी मतलब ऐसा प्रिडिक्शन लगाया था कि मेजर में से ज्यादा ASDS में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो ASDS का थोरो स्टडी किया मैंने पहले, और NABARD नॉर्म्स का भी मैंने शॉर्टकट समराइज नोट्स अपने निकाल लिए थे हर सब्जेक्ट का। मैं गुरुकुल एग्री के नोट्स पढ़ने के बाद मेरी एक 1 to 2 पेज की समरी नोट्स निकाल लेता था, तो एग्जाम के 4th-5th रिवीजन के टाइम में मैं सिर्फ वो 2 पेज पढ़ लेता था, तो 2 पेज में पूरा मेरा सब्जेक्ट कवर हो जाता था, और जो जो डाटा वगैरह रहते हैं तो उनका मैं वॉल पे से स्टिक कर लेता था, और सुबह मॉर्निंग में जब अपन उठते हैं तो उस टाइम मैं टेबुलर डाटा को देख लेता था, तो उसके एज सच मुझे मेमोराइज करने का काम नहीं पड़ा, रोज मैं देखता था उस डाटा को तो ऑटोमेटिक वो मेमोराइज हो गया। आपकी इमेजिनेशन स्किल अच्छी है? हाँ, इमेजिनेशन स्किल मेरी बहुत अच्छी थी सर, मेंस के टाइम में जब क्वेश्चन मेरे सामने आता था तो मुझे वो पेज वो लाइन भी नजर आती थी मेरे आंखों के सामने कहाँ से आया था। ये जो आप बोल रहे हो ना कि आपने फास्टर लर्न किया, ये फास्टेस्ट वो कैंडिडेट लर्न कर सकता है जिसकी स्ट्रेंथ है इमेजिनेशन स्किल, कि कई कैंडिडेट सभी की ये कॉमन नहीं होती है, अगर आप सभी लगाओगे हर पर्सन की अलग स्ट्रेंथ है, आप अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग जाइए, लेकिन जो मैं समझ पा रहा हूँ आपने जैसे कि आपकी इमेजिनेशन स्किल अच्छी होगी, कि चाहे आपने 1 साल पहले लर्न किया, जब आप दूसरी बार लर्न करोगे थोड़ा ही देखने की जरूरत है, वो थोड़ा देखते ही आपको पता चल जाता है कि हाँ ये इसका मतलब ये है। तो मैंने पहले साल ही मुझे सेकंड टाइम में मतलब सेकंड साल में जिस टाइम अपीयर हुआ तो आधा मुझे 60-70% सिमिलर ऐसा लगा कि वो दोबारा देखने की भी जरूरत नहीं थी, तो इसलिए मैं 15-20 दिन में पूरा रिवाइज कर लेता था 11 के 11 सब्जेक्ट बोले तो। आपके सिलेक्शन की वजह ये है कि आपने अपनी स्ट्रेंथ को सही यूटिलाइज किया। हाँ स्ट्रेंथ सर, मैंने पहले अपनी स्ट्रेंथ को पहचान लिया था कि एग्रीकल्चर में मेरा, इसलिए मैंने AFO का ट्राई किया और IFCO में भी ट्राई किया, लेकिन उसमें मेंस तक मेरा सिलेक्शन हुआ, तो अनफॉर्चुनेटली बैंक ऑफ महाराष्ट्र की माइक आपका बंद हो रहा है, कोई बात नहीं कंटिन्यू कीजिए जी। सर, इस साल जब बैंक ऑफ महाराष्ट्र का नोटिफिकेशन आया था तभी मुझे 1 महीने का टाइम मिला था, तो उस टाइम में मैं फ्लो में ही था, मतलब मैं ऐसा छोड़ता नहीं था, 1-2 महीने का टाइम मिला तो ऐसा गैप नहीं देता था, कंटिन्यूअसली एग्रीकल्चर का स्टडी कंटिन्यू रखता था, उस साथ साथ में प्री का भी स्टडी, मतलब डेली जो टारगेट्स रहते थे, मतलब 20 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन नंबर सीरीज वगैरह के, तो साथ साथ में मैं वो भी करता था, और थीसिस को भी अलग से टाइम देता था 3-4 घंटे में, तो मैनेजमेंट में मैं अच्छा कर लेता था, इसलिए वो सक्सेस में मेरा उसका हैंड रहा है। वेरी गुड। बाकी कैंडिडेट को मैं यही बोलना चाहूंगा, आपकी जो स्ट्रेंथ है, अगर आप अलग अलग डिफरेंट टाइप की होती स्ट्रेंथ, अलग अलग स्ट्रेंथ रहती है, जैसे कि जनरल बैंकिंग में स्ट्रेंथ रहती है कि मैथ्स अच्छा रहता है, रीजनिंग अच्छा रहता है जी। तो मेरा, मैंने पहले स्ट्रेंथ पहचान लिया था कि एग्रीकल्चर में मेरा बहुत अच्छा स्ट्रेंथ है जी। जी अनूप, कुछ कहना चाहोगे कैंडिडेट के लिए जिनका, जैसे आपका बैकअप से तो पता चल ही जाएगा बाकियों को भी कि बैकअप होना चाहिए, और बैकअप से आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, जरूरी नहीं है कि आप दोबारा फिर से उस गाड़ी को दोबारा वैसे ही शुरू करो अगर आपने कर लिया है, ये तो आपका मैसेज जा चुका है, इसके अलावा और कुछ आप कहना चाहोगे कैंडिडेट को? तो सर, मैसेज में मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि अपनी कंटिन्यूस कंसिस्टेंसी को कभी भी ब्रेक मत होने देना चाहिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी में रहे तो मतलब एक कैंडिडेट फ्लो में रहता है उस चीज के,
कंसिस्टेंसी एक ऐसी सक्सेस की चाबी है जिससे एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, उसका ताला खोल सकते हो आप। दिन अच्छा हो या बुरा हो, आपको जो करना है, आपको क्या हाँ करना है, अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करना है, समझे। किसी की इतनी हाँ हिम्मत और नहीं होनी अपने चाहिए कि वो फेल्यूर आपको पिंच को, करे और आपका जो दिमाग है वो खराब हो जाए। और सर अपने फेल्यूर को सक्सेस में कन्वर्ट करना आना चाहिए। आना जो चाहिए। अपने को फेल्यूर मिलता है वो अपना स्टेपिंग स्टोन नहीं, उससे कि अपने जो बाद में उसके सक्सेस कैसे कन्वर्ट करना है। और डेडिकेशन पहले से होना चाहिए उस चीज के बारे में, जिस चीज को अपन हासिल करना चाहते हैं। मैक्सिमम कैंडिडेट का डेडिकेशन कब जाता है, जब वो बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर लेते हैं, उनको लगता है पता नहीं क्या मतलब हो जाएगा। तो ओवर थिंकिंग बहुत बड़ी ब्लंडर है। ओवर थिंकिंग फिर है सर। और कुछ कैंडिडेट ऐसा कर दे कि प्री एग्जाम के रिजल्ट का वेट कर दे है 10 दिन तक, 10 दिन वो कुछ भी नहीं कर दे। और आखिर के समझो, इस साल ऐसा हुआ कि आखिर में उन्होंने सिर्फ 12 दिन दिए थे मेंस को, मतलब इन रिजल्ट बहुत लेट लगाया था प्री का। तो कैंडिडेट्स पूरे डिलेमा में थे कि प्रिपरेशन करे कि नहीं करे। तो इस चीज में मत पड़िए, पहले पास से अपना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए कि अपना कट ऑफ तो क्लियर होने ही वाला है प्री का, और मेंस के लिए अपना चालू रहने दें स्टडी। तो उससे नहीं भी क्लियर हुआ प्री का एग्जाम, तो अदर एग्जाम भी अपन क्रैक कर सकते हैं, जैसे नाबार्ड का रहा, इफको का भी एग्जाम आया है, नोटिफिकेशन आया है। तो वो चीज अपने काम में पड़ती है आगे भी। और एग्रीकल्चर तो हर एग्जाम के लिए सेम ही होता है। ये बात है, ठीक है अनूप, आपसे बात करके अच्छा लगा। आपसे ये चीज मतलब है कि कैंडिडेट को वैसे तो हम बोलते हैं, लेकिन एक बार फिर से आपने ये चीज दोहराई और आपने टेस्टिमोनियल भी किया कि अगर बैकअप है तो कुछ भी किया जा सकता है। बैकअप के साथ कुछ अपना भी किया जा कॉन्फिडेंस भी सकता है, है। और अगर आपने सोच लिया है, जैसे हाँ आपने बोला कि मैंने दो सोच लिया था कि दो एग्जाम में मेरा सिलेक्शन होगा, तो अंदर से वाइब ये पॉजिटिव इतनी आ गई थी पहले से कि वो ऑटोमेटिक ही बाहर होना पड़ा उसे, है ना। सक्सेस में कन्वर्ट होती है, सक्सेस में पॉजिटिव वाइब ही सक्सेस में कन्वर्ट होती है। हाँ, तो पॉजिटिव वाइब्स पहले ही आपने अंदर ले आए कि हाँ मेरा होगा, आपने हाँ मतलब कह हाँ दो कि मैं दो में होगा ही। सिलेक्शन लूंगा, और उसके लिए आपका दिमाग है वो भी सही मायने में चलने लगा कि मेरे को कहाँ 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 क्या क्या करना है। उस चीज के हिसाब से सर दिमाग को हिप्नोसिस कर लिया था मैंने कि अपने के दोस्त बैंक में सिलेक्शन लेना ही है। ये नहीं है, वेरी गुड। ओके अनूप, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू अगेन। कोई अनदर किसी को भी आप कुछ आपको बोलना चाहें? सर मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अपन जब स्टडी मटेरियल वगैरह सिलेक्ट करते हैं तो 2-3 जगह से स्टडी मत कीजिए, क्योंकि पहले पास से एक ही सोर्स रखी है जो ऑथेंटिक हो। जैसे मैंने अपना अपने बारे में बोलूँ तो मैंने पहले पास से गुरुकुल एग्री पे ट्रस्ट किया था, तो उनका मटेरियल, आपका मटेरियल भी मुझे एकदम सही लगा एकदम के क्रैक करने के लिए, तो मैं उसी मटेरियल पे स्टिक रहा। मेरे कुछ दोस्त ने बोला बोला भी कि अदर मटेरियल भी देखना चाहिए, 2-3 और जगह से सोर्स देखने चाहिए, उसमें ज्यादा है, इसमें और अलग ज्यादा है। तो मैंने उनको पहले ही बोला कि मैं एक ही मटेरियल में करूंगा, मटेरियल से करूंगा, लेकिन ऐसा करूंगा कि एग्जाम क्रैक ही हो जाए एक ही बार में। चलिए अनूप, अच्छा लगा आपसे बात करके। बैंक में जाइए, वैसे प्राइवेट बैंक में जॉब कर चुके हो, एक बात जानना चाहूंगा, आपने छह छह महीने लगाए हैं प्राइवेट बैंक में, ठीक हाँ सर। है। ड्रॉबैक क्या होते हैं बैंक की जॉब के? बैंक की जॉब में सर ऐसा है कि मतलब लोएस्ट पोस्ट में या अपने हाईएस्ट पोस्ट में भी रहो, प्रेशर सब पे इक्वली रहता ही है, चाहे वो टारगेट, चाहे वो अपना डेली शेड्यूल कंप्लीट करने का रहे, तो वो प्रेशर तो बैंक में होता ही है। लेकिन वो प्रेशर को कॉप करके अपन कैसे कॉन्फिडेंस से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे निभाते हैं, वही एक बैंकर की सही पहचान है। ये जो एनर्जी है ना, मैक्सिमम कैंडिडेट वो होते हैं जिसकी मतलब मानो कि 3 महीने वो बैंक में गए, इवन गवर्नमेंट में गए, उनकी एनर्जी डाउन हो जाएगी। लेकिन आप प्राइवेट में 6 मंथ हाँ काम करके और फिर भी ये एनर्जी लेवल, इंथुसियाज्म आपका इस लेवल का है, वर्षियस बैंकर हो आप, तो ऐसे ही काम करो, हाँ बहुत सर ऊपर वो जाओगे। हाँ सर जी वो क्या बोल, इंटरव्यू में भी
उनको एंथुसियाज्म वही अच्छा लगा था, तो इसी वजह से इंटरव्यू में ज्यादा मुझे लगता है कि ज्यादा मिले। हाँ एग्जैक्टली, आप बहुत आगे जाओगे। ओके हाँ सर, ओके अनूप वृषित बैंकर, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। ओके सर, थैंक यू इंटरव्यू रखने के लिए। ओके ओके थैंक यू।